तो आज की कहानी है दो लड़कियों की। वो रहती थी टॉर्च टाउन नगरी में। एक का नाम था काइली जो थी पैसे वाली और एक का नाम था रूपा जो थी बहुत गरीब। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉर्च टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो एंजॉय करते हैं। काइली दिन भर फोन में लगी रहती है, आज इसका टेस्ट लेती हूँ। काइली जरा बॉडी पार्ट सुनाना। हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज, हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज। वाओ काइली, ये तुम्हें कैसे आता है? क्या मम्मा? ये जो तुमने अभी डांस करके दिखाया बॉडी पार्ट्स के बारे में। मम्मा मैं तो रील्स देख रही थी। अरे मेरी बेटी का भी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ऑरेंज की स्पेलिंग सुना दो। ऑरेंज की स्पेलिंग तो तब आएगी ना जब पता होगा। जी उफो, इतनी अच्छी रील्स देख रही थी बीच में पढ़ाई के साथ। आंटी मुझे पता है O-R-A-N-G-E-R-A। रूपा तुम्हें बड़ों के बीच में बोलने से मना किया है ना? अरे दीदी ये तो ना समझ है, कुछ भी बोल देती है। सॉरी बोलो मैम साहब को। सॉरी आंटी। अरे बेटा तुमने ये स्पेलिंग कहाँ से सीखी? जब कायल दीदी की पुरानी किताबें देते हो ना चूल्हा जलाने के लिए, तो मैं उनको आग में डालने से पहले ना पढ़ लेती हूँ। अरे वाह रूपा, तुम्हारी लगन तो बहुत अच्छी है पढ़ाई में। काइली कुछ सीखो इससे। रूपा अब से तुम्हें कोई बुक नहीं मिलेगी। Yes, that's right, Mom. क्योंकि अब तुम काइली के स्कूल जाओगी उसके साथ। थैंक यू आंटी। थैंक यू मैम साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी जो आप मेरी बेटी पे कर रहे हो। बाय बेटा। क्यों जाएगी हूँ मेरे स्कूल? बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि पढ़ाई पे सबका हक है। सरकारी स्कूल में लगा दो उसका एडमिशन। काइली वो तुम्हारे साथ ही स्कूल जाएगी। मैं बेटी हूँ आपकी, अगर वो उसको ही सारा प्यार दो। मैं नहीं बात करती आपसे। और वो रूपा आ रही है, उसको अपने साथ लेके जाना। What? वो गरीब मेरे साथ बैठ के जाएगी? Never do mama. मैं नहीं लेके जा रही उसको अपने साथ। काइली बोला ना लेके जाना अपने साथ। ओके मम्मा। भैया चलो गाड़ी। पर मैम ने तो बोला था कि तुम्हारी एक फ्रेंड भी साथ में जाएगी। मेरी कोई फ्रेंड नहीं है वो, आप बस चलाओ। मैं भी दूसरे ड्राइवर को बुलाऊं? नहीं नहीं चलता हूँ। लगता है मैं लेट हो गई। अरे काली दीदी जा रही है। काली दीदी, काली दीदी। बाय रूपा। लगता है सुना नहीं होगा। कोई नहीं पैदल ही चल जाती हूँ। न्यू एडमिशन? यस मैम। तो लेट क्यों हुए? मैम मेरी बस लेट हो गई थी तो पैदल पैदल चल के आई। ओके बेटा बैठ। काली क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ जाओ? इट्स काली दीदी। और तुम पीछे जाके उमायरा क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ? नहीं नहीं। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ? नहीं नहीं तुम पीछे बैठो। ये जो पीछे रूपा को बैठी देख रही है ना, मेरे यहाँ पे काम करती है। देख रही है कितना भर भर के चमेली का तेल लगा रखा है, छोटी दो दो बना रखी है ऐसे मांग निकाल के, और देख रेड रिबन, और हमारे यहाँ की स्कूल की ड्रेस नहीं पहन की। इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। और कपड़ों से याद आया, कल हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, तो आप सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने हैं। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, उसमें तो मैं ही पक्का जीतूंगी क्योंकि मैं तो प्रिंसेस के कपड़े पहन के आऊंगी। मैं बनूंगी एल्सा, मैं तो मरमेड बनूंगी। तेरे पास तो ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं होंगे ना गर्मी। ले इससे ड्रेस ना मारो। स्वागत है आप सबका टॉयज आर के स्कूल में। आज हमारे स्कूल में है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, जहाँ बच्चे तरह तरह के कपड़े पहन के आएंगे और जो जीतेगा वो ले जाएगा चमचमाती ट्रॉफी। तो सबसे पहले आ रही है अमायरा। और अब आ रही है कैटरीना कैफ। बहुत बढ़िया। वाओ दीदी आपकी ड्रेस तो बड़ी सुंदर
आपको यूएसए से लाए हैं। यूएसए से? और तू क्या ही रद्दी पहन के आ गई है? दीदी याद है जो हमने मेरे ऊपर कूड़ा फेंका था उससे ही मैंने बनाया। कूड़े जैसी तो है, कूड़े की ड्रेस और बना ली। अब आ रही है थकेली मतलब काइली। मेरा नाम आ गया, मैं तो जा रही हूँ। ड्रेस देख रहे हो? बहुत शानदार ड्रेस है। वो सुना है अमेरिका से लेके आए इसके पापा ड्रेस। स्कूल में अगर बच्चे हो ऐसे हो। और अब आ रही है रूपा। तालियां। ऐसे कौन नाम रखता है बताओ? गरीब नाम होता रूपा। अरे राम राम राम, ये तो रद्दी से बनी हुई है। ताली बजाने का बोला आपको अच्छी लग रही है? हमें बिल्कुल बकवास लग रही है। अरे जजेस सुनिए, वाकई में रूपा की ड्रेस बहुत अच्छी है। देखो तो पहले न्यूज पेपर से उसने ड्रेस बनाई है। जब हमारा स्कूल इंटरनेशनल स्कूल है, हायर स्टैंडर्ड, हम अब्रॉड भेजते हैं विदेश बच्चों को। ये पेपर भेजेंगे। कौन जीता, ये न्यूज पेपर ड्रेस वाली रूपा या 5 करोड़ ड्रेस वाली काइली? तो जीती है काइली। ये लो काइली तुम्हारी ट्रॉफी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत घटिया किया। तू तो हार गई है ना, अब तेरे को मेरी बात भी तो माननी होगी। अब तेरे को मेरा सारा का सारा होमवर्क करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो जिस मान ने मेरे को स्कूल में डलवाया है ना, उसकी बेटी मतलब मैं फटवा सकती हूँ। बाय। और देखते ही देखते काइली अपना सारा काम रूपा से करवाने लगी और वह खुद सारा दिन खेलने लगी। और फिर आया एग्जाम का दिन। ओए बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, ऑल द बेस्ट। और काइली स्पेशली तुम। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अरे ये सब तो मुझे आता है, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। काश मैंने पढ़ लिया होता। और फिर रूपा ने बदल ली अपनी आंसर शीट काइली के साथ। एग्जाम्स में नो चीटिंग। ठीक है काइली, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार से तुम फुल मार्क्स लेके आना। प्रॉमिस मैम, अगली बार से मैं ढंग से पढ़ूंगी और अच्छे एग्जाम में मार्क्स लाऊंगी। और रूपा, अब से मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ूंगी, तुम्हारे साथ ही खेलूंगी और तुम्हारे साथ ही स्कूल आऊंगी। अब से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो।